नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लुनेरा बुजुर्ग में एक किसान की मौत हो गई। किसान भूरे सिंह पिता मांगा अपने घर से पास ही खेत में काम करने के लिए निकला था। खेत में लगभग 5 से 6 फीट हाइट पर ही बिजली के तार झूल रहे हैं। हमेशा की तरह भूरे सिंह तारों के नीचे से बचते हुए निकल रहा था, तभी अचानक तारों की चपेट में आ गया, जिसे करंट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। वही परिजन का आरोप है कि टवलाई ग्रिड उपयंत्री को इस बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनके द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी को कुछ दिन पूर्व भी समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। ग्रामीणों का विरोध करते हुए किसान के शव को 3 घंटे तक बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर धर्मपुरी थाने करने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को गुस्साए लोगों का सामना करना पड़ा। विभाग की लापरवाही को लेकर जनता में आक्रोश देखने को मिला है। आला अधिकारियों को घटना स्थल पर बुलाने की बात पर ग्रामीण अड़े रहे। धामनोद थाना ASI प्रमिला जमरे की समझाइश के बाद परिजनों ने मृतक को धर्मपुरी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही का आलम है कि लुनेरा क्षेत्र में ऐसे कई स्थान है जहां नीचे खड़े होकर हाथों से बिजली के तारों को छू सकते हैं। इन सभी स्थानों की जानकारी बिजली विभाग के पास है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ठीक नहीं किया जा सका है। वही आपको बता दें कि इसका खामियाजा एक किसान को उठाना पड़ा। देखें खबर SKP लाइव न्यूज पर। ये उठा के ला रहा था तो लग गया करंट। अच्छा, वायर तार कितने नीचे से? नीचे वायर झूलने से लग गया। अच्छा, इतने दिन से 2 साल से हम देख रहे हैं ऐसे कि ऐसे तार है ऊपर निकल रही है। तो इसकी शिकायत करी थी MPP वालों को, बिजली विभाग को आपने, क्या बोला गया? आते नहीं वो। अच्छा, आते नहीं लाए। आपके आपके क्या लगते थे जिनकी डेट हुई अभी करंट से? मेरे पापा जी है, मेरा ससुर है। अच्छा, ससुर जी है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो कि डेड बॉडी यहीं पे रखी रहे? जब तक यहाँ पे वो नहीं होंगे, जब तक सुधार नहीं होंगे। मैडम, आपका नाम? सब इंस्पेक्टर प्रमिला जमरे। अच्छा, मामला ये बताइए कि लुनेरा बुजुर्ग आज जो बिजली विभाग की होगी लापरवाही से जो करंट लगा है एक किसान, तो इसमें क्या लापरवाही किसकी खुल के सामने आ रही है? यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है कि जो तार है वो काफी नीचे है, मतलब एक मुश्किल से 1-6 फीट का इंसान आना जाना कर पाता है। और वो लापरवाही अगर इन्होंने आवेदन उनको दिया है तो जाहिर सी बात है बिजली विभाग को ध्यान देना चाहिए था इस बारे में। अच्छा, तो क्या कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? इनका कहना है मृतक के परिजनों का कि ये पड़ोस के खेत से अपने खेत में वो हल जोतने के लिए जो सामान है वो लेके अपने खेत में जा रहे थे हल जोतने के लिए। अच्छा, तो ये ग्रामीणों का आरोप है कि जब तक के कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर स्पॉट पे नहीं आएगा जब तक ये डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी, क्या है कुछ मामला पूरा बताइए आप। मेरे ख्याल से प्रारंभिक जांच पुलिस करेगी इस बारे में। तो अभी तो प्रारंभिक यही है कि मर्ग कायम करवाने जैसे गए हैं तो PM हो जाना चाहिए, उसके बाद जो जांच में जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई। ये इन लोगों का आरोप है कि जो दोषी है बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से व्यक्ति की मौत हुई है, किसान है बल्कि, तो इस पे इनका आरोप है कि उन लोगों के खिलाफ FIR होगी या नहीं हो पाएगी? अगर उनकी लापरवाही होगी जो जांच में जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। इन लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही है तो बिजली विभाग की जांच में आएगी, पुलिस जो पुलिस है इसमें जांच करेगी और जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी, बिल्कुल करेगी।